हेलो स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आज हम पढ़ेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिराक डेल्टा फंक्शन के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ दो तीन न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे, जिससे करके इस टॉपिक के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसे यूनिट इंपल्स फंक्शन या फिर शॉर्ट इंपल्स फंक्शन के भी नाम से जाना जाता है और एग्जाम में इसके 3 से 4 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये जो यूनिट इंपल्स फंक्शन है उसे डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू मैक्सिमम यानी कि 1 होती है जब टी की वैल्यू 0 हो और ये यूनिट इंपल्स फंक्शन की वैल्यू मिनिमम यानी कि 0 होती है जब टी की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। अब यही चीज ग्राफ से समझेंगे तो और समझ में आएगा। तो यहां पे ग्राफ बना देते हैं। ये हो गया हमारा टी का एक्सिस और ये हो गया डेल्टा टी यूनिट इंपल्स फंक्शन का एक्सेस। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, डेल्टा टी का वैल्यू 1 कब होगा? तो यहां पे 1 कब होगा, यूनिट ऊपर गए जब टी का वैल्यू 0। तो ये टी का वैल्यू कितना है, यहां पे टी का वैल्यू 0। ठीक है, और डेल्टा टी का वैल्यू 0 कब होगा, इसका वैल्यू 0 यानी नीचे की साइड जाना है, यानी ये सारी वैल्यूज कौन सी हो गई, 0 वैल्यूज। कब होगा, जब डेल्टा टी का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे ये 0 है और इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ग्राफ कुछ हम ऐसा बना देंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना हो ये यूनिट इंपल्स फंक्शन का, तो उसका आंसर हमेशा आएगा 1 के बराबर। तो ये वाला इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो हमने लिया यूनिट इंपल्स फंक्शन, ये हमने लिया है विदाउट शिफ्ट कंसीडर करके, यानी कोई शिफ्ट है नहीं, शिफ्ट कितना है 0 के बराबर है। अगर हम शिफ्ट कंसीडर करते हैं तो विथ शिफ्ट ये जो हमारा यूनिट इंपल्स फंक्शन है उसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा टी माइनस ए से, यानी ए जितना ये यूनिट इंपल्स शिफ्ट हो गया है। कैसे, तो यहां पर समझ लेते हैं। ये हो गया यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 और शिफ्ट कितने का आया, शिफ्ट आया a का, यहां से लेके ये a का शिफ्ट हो गया है। अच्छा अब ये जो डेल्टा t माइनस है, जब शिफ्ट करा रहे हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन को ये साइड, तब भी उसका वैल्यू मैक्सिमम 1 आएगा। कब, जब t का वैल्यू a के बराबर हो, और इसका वैल्यू मिनिमम आएगा यानी 0 आएगा कब, जब t का वैल्यू a के बराबर ना हो। यही चीज ग्राफ से देख लेते हैं। अच्छा ये हो गया हमारा डेल्टा टी माइनस ए का एक्सिस, इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा, यानी यहां कहां पे होगा 1। ठीक है, ये सपोज यूनिट स्टेप ऊपर गए, 1 होगा कब, जब टी का वैल्यू ए के बराबर होगा। ये हो गया हमारा टी का एक्सिस, टी का वैल्यू ए के बराबर यानी यहां पे इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू डेल्टा टी माइनस ए का वैल्यू मिनिमम यानी नीचे 0 के बराबर। ठीक है, डेल्टा टी का वैल्यू, टी माइनस ए का वैल्यू 0 के बराबर कब, जब टी का वैल्यू ए के बराबर ना हो। तो ये टी का वैल्यू ए के बराबर है और बाकी जितने भी पॉइंट है वो ए के बराबर नहीं है, वहां पे डेल्टा टी 0। तो ऐसे करके कुछ हम ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें ये जो हमारा यूनिट इंपल्स है उसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी माइनस ए, तो उसका आंसर आएगा हमेशा ई रेस टू माइनस ए एस के बराबर। तो ये वाला भी इक्वेशन हमें याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और अगर हमें ऐसा कुछ फंक्शन दिया है जिसमें एफ ऑफ टी है और साथ में डेल्टा टी माइनस ए भी लगा हुआ है, और उसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें ढूंढना है, तो उसका आंसर आएगा हमेशा ई रेस टू माइनस ए एस एफ ऑफ ए। तो इन शॉर्ट ये जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें 3 इक्वेशन याद रखने हैं। ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म विदाउट शिफ्ट का इंपल्स फंक्शन का 1 आंसर आएगा, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म विथ शिफ्ट इंपल्स फंक्शन का ई रेस टू माइनस ए एस के बराबर, और अगर ये जो हमारा शिफ्ट वाला इंपल्स है उसके साथ अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसका आंसर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ई रेस टू माइनस ए एस एफ ऑफ ई के बराबर आएगा। अब ये सारी चीज न्यूमेरिकल लेके अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब तक हमने देखा कि ये जो विदाउट शिफ्ट का जो यूनिट इंपल्स है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 के बराबर, विथ शिफ्ट इंपल्स फंक्शन डेल्टा टी माइनस ए का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेस टू माइनस ए एस के बराबर, और अगर
शिफ्ट वाला हमें इंपल्स फंक्शन दिया है, उसके साथ कोई एफ ऑफ एफ टी फंक्शन मल्टीप्लाई है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर होता है ई रेस टू माइनस ए एस एफ ऑफ ए के बराबर। ठीक है, अब न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखे, ये तीन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं हम। सो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी माइनस ए, यानी हमें क्या ढूंढना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, डेल्टा ऑफ टी माइनस ए का ढूंढना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हमें पता है ये कौन सा हो गया, टी माइनस ए यानी विथ शिफ्ट वाला, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म विथ शिफ्ट वाला नहीं, डेल्टा टी माइनस ए का शिफ्ट है, उसका आंसर किसके बराबर आता था, ई रेस टू माइनस ए एस के बराबर। अच्छा, अब यहां पे ई रेस टू माइनस ए एस लिखना है, तो ए का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो ये टी माइनस ए है, ये टी माइनस ए है, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू हो गया फोर, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई रेस टू माइनस ए यानी फोर और एस, तो ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब डेल्टा टी माइनस ए, तो हमें क्या ढूंढना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी क्यूब डेल्टा टी माइनस फोर का ढूंढना है, कैसे ढूंढे, तो वापस से ये क्या हो गया, हमें पता है कि अगर कोई एक फंक्शन एफ टी है वो मल्टीप्लाई किसके साथ है, वो मल्टीप्लाई है डेल्टा टी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई है, और उसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, ई रेस टू माइनस ए एस एफ ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अब वापस से क्या करेंगे, वापस से ये जो हमारा इक्वेशन है उसे इसके साथ कंपेयर कराएंगे, तो कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी बराबर क्या है, टी क्यूब, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एफ ऑफ टी बराबर क्या हो गया, टी क्यूब। अच्छा, हमें चाहिए क्या, एफ ऑफ ए, तो यहाँ पे मैं लिख लू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, टी की जगह ए रख दो, ए का क्यूब हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे t माइनस फोर है, यहाँ पे t माइनस ए है, यानी a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है फोर। अब क्या करेंगे, इसका आंसर हमें फाइंड करना है, तो इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू लिख लेते हैं, इसका आंसर इसके बराबर होगा, तो लिख लेते हैं e रेस टू माइनस ए एस, ए कितना है फोर एस, और f ऑफ a कितना है, f ऑफ a ए क्यूब के बराबर, विच इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस फोर एस, ए का वैल्यू कितना है फोर है, तो ये हो गया फोर का क्यूब, विच इज इक्वल टू फोर का क्यूब कितना, सिक्सटी फोर ई रेस टू माइनस फोर एस, तो ये हो गया हमारा आंसर। आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी लॉग टी डेल्टा टी माइनस ए, तो यहां पे लिखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी लॉग टी इंटू डेल्टा टी माइनस पाई का ढूंढना है। ठीक है, वापस से क्या लिखेंगे, ये क्या बन गया, ये हमारा हो गया एफ टी, तो एफ टी के साथ मल्टीप्लाई क्या है, शिफ्ट वाला इंपल्स फंक्शन डेल्टा टी माइनस ए, और उसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है तो उसका आंसर किसके बराबर आता था, ई रेस टू माइनस ए एस एफ ऑफ ए के बराबर, ये रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन और इसे कंपेयर कराएंगे, कंपेयर कराने पर क्या मिलेगा, कॉस टी लॉग टी क्या हो गया, एफ टी का फंक्शन, तो लिख लेंगे एफ टी हमें क्या मिला है, कॉस टी लॉग टी, कॉस टी लॉग टी, हमें चाहिए क्या, आंसर एफ ऑफ ए, सो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, टी की जगह ए रख दो, कॉस ए लॉग ए। ठीक है, अच्छा अब क्या चाहिए, a चाहिए हमें, तो a के लिए ये देख लो t माइनस पाई है, ये है टी माइनस ए, टी माइनस पाई, टी माइनस ए, यानी a का वैल्यू किसके बराबर, पाई के बराबर, तो a का वैल्यू पाई के बराबर। अब इसका आंसर लिख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ e रेस टू माइनस ए एस, e रेस टू माइनस ए का वैल्यू कितना है, पाई एस इंटू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए ये रहा कॉस a log a, विच इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस पाई एस, कॉस a का वैल्यू क्या रखेंगे, पाई, और log a का वैल्यू कितना रखेंगे, पाई, विच इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस पाई एस। अब कॉस पाई का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, माइनस वन के बराबर होता है, तो कॉस पाई हो गया माइनस वन, तो ये माइनस साइन इधर लगा देंगे, और बचा क्या, log पाई, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।